जैस्मीन भसीन अपने प्रोजेक्ट की वजह से चंडीगढ़ गई थी, जिसके बारे में हम अपनी बीती वीडियो में कई बातें बता चुके हैं। हमने आपको बताया था कि जैस्मीन के कुल कितने प्रोजेक्ट्स चंडीगढ़ में हैं, उनके गाने का कोरियोग्राफर कौन है, उनके गाने का सिंगर कौन है और उनके को स्टार कौन है। वहीं अली भी इस समय चंडीगढ़ में हैं और वो चंडीगढ़ क्यों गए हैं और किस वजह से गए हैं हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपसे मिस ना हो हमारी इसी तरह की अपडेट्स। जैस्मीन भसीन अपने सॉन्ग के प्रोजेक्ट्स के लिए चंडीगढ़ में थी, लेकिन उनके सभी गानों की शूटिंग खत्म हो चुकी थी, जिसके बारे में उन्होंने स्टोरी शेयर करते हुए बताया भी था। पर इसके बावजूद भी वो चंडीगढ़ से वापस मुंबई नहीं आई, बल्कि उनकी जगह अली चंडीगढ़ चले गए। वहीं अली चंडीगढ़ क्यों गए थे इस बारे में अभी तक कोई भी कंफर्म खबर सामने नहीं आई थी, पर हम आपको अब पूरी तरीके से कंफर्म खबर बताने वाले हैं कि अली चंडीगढ़ क्यों गए थे। दरअसल देसी म्यूजिक फैक्ट्री के ओनर राघव शर्मा ने आज अपने इंस्टाग्राम पर अपने शूट्स की लोकेशन की वीडियो शेयर की। इसके बाद राघव ने अली के साथ एक स्टोरी शेयर की, जिसमें वो अली के साथ हैं और उन्होंने उस स्टोरी में लिखा हुआ था अली गोनेज इन द हाउस, जिस वजह से ये बात तो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि अली देसी म्यूजिक फैक्ट्री के साथ एक गाने के शूट के लिए चंडीगढ़ गए हैं। वही हम आपको बता दें कि इस गाने के शूट में जैस्मीन भी हमें अली के साथ नज़र आने वाली है, यानी कि ये गाना टोटल जसली सॉन्ग होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू भी सताया जाएगा और तेरा सूट गाना था। वही इस गाने की बिहाइंड द सीन्स की वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें जैस्मीन और अली दोनों ही शूट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप जसली के इस म्यूज़िक वीडियो को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एंड अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।